أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students today I Hina Nara teacher HS Kaslo delivering a lecture for class 5th subject is English topic is third lecture of the same lesson that is Pangong Lake तो ये हम directly book पे ही पढ़ेंगे मैंने बताया इसमें कि इसमें main जो तीन characters है that is Hur Fatima नदीम तो ये जो है ये तीन मेन करेक्टर्स है एक और करेक्टर इसमें है दैट इज हूर्स फादर वो हूर का फादर होता है इसमें तो ये चार करेक्टर्स है इसमें तो आधे हमने पढ़े कि जहाँ तक ये फातिमा हूर के फादर से बोलती है कि पैंगोंग लैक पैंगोंग का मतलब क्या होता है तो वो उसको बताता है कि पैंगोंग का मतलब होता है लॉन्ग करू तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे हूर नोबडी इन द होल स्कूल हैज सीन द लेक नदीम इट मस्ट बी लाइक द डल लेक हूर कहते हैं कि मेरे मतलब स्कूल में ये किसी ने नहीं देखा है नदीम क्या ये डल लेक जैसा है हूर इट इज़ डिफरेंट इट इज़ क्लीन ग्रीन ब्लू एंड मैनी अदर कलर्स हूर नहीं ये अलग है ये वो बहुत साफ है ग्रीन कलर का भी है ब्लू भी है और बहुत सारे कलर्स है उसमें हूर्स फादर हूर इज़ वेरी एक्साइटेड आफ्टर हैविंग सीन द पैंगोंग लेक हूर्स फादर बीच में आता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है पैंगोंग लेक देख के आई विल टेल यू अबाउट इट इट इज़ सिचुएटेड 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लेह एंड द जर्नी इज़ वेरी एक्साइटिंग मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा ये तकरीबन 160 किलोमीटर लेह से दूर है और इस वहाँ जाना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का है बहुत ज़्यादा खुशी का काम है फातिमा देयर मस्ट बी मोनेस्ट्रीज आई हैव रीड देयर आर मैनी मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख फातिमा बोलती है कि वहाँ मोनेस्ट्रीज भी होती है मैंने सुना है कि लद्दाख में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज होती है मैंने पहले कहा है कि मोनेस्ट्रीज हम जो ये बौद्ध है उनकी जो मजहबी जो जगह है जहाँ मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं और इबादत करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द मोनेस्ट्रीज हूर्स फादर यस फातिमा आई विल टेल यू अबाउट द लेक फर्स्ट ओके हूर दैट इज़ ग्रेट हाँ वो वहाँ पे है मगर मैं पहले आपको लेक के बारे में बताऊँगा नदीम इट इज़ अ बिग एज द डल क्या ये डल से बड़ा है हूर्स फादर नो इट इज़ मच बिगर और 1-3 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 6-7 किलोमीटर्स वाइड दैट मेक्स इट अबाउट 700 स्क्वायर किलोमीटर्स तो हूर्स फादर बोलता है नहीं ये बहुत बड़ा ये 130 किलोमीटर्स लॉन्ग है 6-7 किलोमीटर वाइड है तो तकरीबन 700 स्क्वायर किलोमीटर्स है तो फातिमा डल लेक इज़ ओनली 11 स्क्वायर किलोमीटर्स डल लेक तो सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर्स है हूर्स फादर एंड पैंगोंग हैज सलाइन वाटर और जो पैंगोंग लेक है वो सलाइन वाटर है दैट इज सॉल्टी नमकीन खारा पानी है उसका नदीम aren't there any fish then फिर वहाँ पे कोई फिश नहीं होगी हूर्स फादर ओनली सम क्रस्ट ओशनज दे आर ऑन मैनी डक्स एंड गुल्स ड्यूरिंग समर मैनी माइग्रेंटरी बर्ड्स लाइक द बॉर हेडेड गूस द ब्राह्मणी डक्स एंड द ब्लैक हेडेड साइबेरियन क्रैन और सीन वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द कियांग एंड मार्मोट आर ऑल्सो फाउंड अराउंड द लेक ये सब जो बर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कल लेक्चर में एक एक करके मैंने आपको बताए सारे तो ये वही बर्ड्स है जो इस लेक में पाए जाते हैं हूर पापा यू टोल्ड मी दैट पैंगोंग फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर डिडंट यू पापा आपने मुझे बताया कि पैंगोंग लेक जो है वो फ्रीज होता है विंटर में हूर्स फादर यस फातिमा बट इट इज लाइन वाटर मगर ये तो नमकीन पानी है यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कल इससे आगे हम पढ़ेंगे आई होप कि आपको ये समझ आया होगा तब तक के लिए अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू